बच्चों चलो प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने क्या कवर कर लिया था उसको चेक कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो दोनों फॉर्मूले हम यूज कर रहे थे वो दोनों के दोनों फॉर्मूले पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस कर रहे थे। आज के टॉपिक्स में एक जेडब्ल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, ठीक है, उसे कवर करिएगा। नीट वाले भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें एक बार, थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन उनके भी आ जाते हैं तो वो भी एक कवर हम कर लेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक हम उसका थोड़ा जानते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कितने तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। तो तीन, एक कौन सा होता है लीनियर, दूसरा कौन सा होता है सरफेस, और तीसरा कौन सा होता है वॉल्यूम। कैसे याद रख पाते बेटा, लैम्डा सिग्मा और यहाँ के लिए रो। क्या बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर एक स्मॉल से टाइम मतलब स्मॉल से स्लॉट्स के लिए हम चेक करें ऐसे भी लिखते थे बेटा dQ/dL, इसको लिखते थे dQ/dA और इसको लिखा जाता था dQ/dV, ठीक है। हमारे टॉपिक्स आज इन्हीं सब चीजों पे है। देखो हमें पढ़ना क्या क्या है, हम ज्यादातर क्या करेंगे लीनियर और सरफेस चार्ज को पढ़ेंगे। वॉल्यूम चार्ज के लिए बहुत अच्छा सा तुम्हें गॉस थ्योरम पढ़ा दूंगा तो उससे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। फिलहाल लीनियर और सरफेस को देखिए, इसी में ज्यादा वेरिएशंस किए जाते हैं। जैसे लीनियर के वेरिएशंस में क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है जिस पे ऐसे चार्ज हो, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के साथ साथ एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है, मान लो कोई वो कर्व का पार्ट हो, ध्यान से सुनना, कर्व मतलब ये भी लाइन ही है बस इसका क्या होगा एक फिक्स रेडियस होगा। यानी ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी में पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब इसको एक कर्व बना रहा हूं तो कर्व से फिर एक सर्कल भी इसी में डिजाइन कर लूंगा कि पूरे सर्कल की वजह से बनाओ, और सर्कल आ गया तो सर्कल से आएगा डिस्क, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी वहां से हम कवर कर लेंगे। देखो इसमें पहले पढ़ना क्या गया आज का टॉपिक में, इसमें हम बस इस लाइन चार्ज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें भी दो तरीके से देखेंगे, देखो पहले क्या होगा, मान लो ये इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए या फिर इस लाइन के लिए ये एक्सिस है, तो कोई पॉइंट अगर एक्सिस पे मान लो पॉइंट पी है, एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसमें किस टाइप के वेरिएशंस किए जा सकते हैं। दूसरा, ये जो इसका एक्सियल प्लेन है ऐसे परपेंडिकुलर वाला, इस पे मान लो ये वाला एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, ए पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे, ये दो करेंगे और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन को चेक करेंगे। ऐसे यहां पर मान लो ये सर्कल का एक पार्ट है, इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा। मान लो मैं आपसे पूछूंगा कि इस सेंटर पे बताओ, इस पी पॉइंट पे बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। समझ में आ रही मेरी बात। आज के टॉपिक में पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। पहले इसकी कहां पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सिस पे, ठीक है, और एक्सिस पर फाइंड करके फिर उसके वेरिएशन को देखते हैं। तो चलो आज का पहला टॉपिक हम देखते हैं, टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ठीक है। इसमें पहला करते हैं, फर्स्ट इसका टाइप हो सकता है, जिसमें फर्स्ट टाइप में क्या होगा कि एक मान लीजिए ऐसे लेंथ है, इस लेंथ पर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लेंथ सपोज कर लो एल है, ठीक है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज डेंसिटी को लेना होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेंसिटी लोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या सपोज करने वाले हैं, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज करने वाले हैं इसमें लैम्डा। अब इसमें किस तरीके से काम करना है वो देखिए। देखो हम क्या सोचते हैं कि मान लो ये इसका एंड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नंबर ए मान लो, इस पॉइंट को तुम नाम दो ऐसे भी, ठीक है। आपसे बोलो एंड ए से वाई डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, ध्यान से सुनना, ए से वाई डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, क्या है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा। तो पहली तो बात ये
ये लाइन चार्ज है तो एक पॉइंट तो है नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाते हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये चीज हमें पता है बेटा, ये डिफाइंड किसके लिए होता है, ये डिफाइंड होता है एक पॉइंट चार्ज के लिए। ध्यान से सुनना है, ये डिफाइंड करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ करके इसको छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो। भाई एक लाइन किस चीज से बना होगा, छोटे छोटे पॉइंट से ही तो मिलकर बना होगा। इसके स्टेप्स याद कराए थे, स्टेप्स कैसे याद कराए थे बेटा, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एक dx की स्ट्रिप काटनी है। तो मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रिप यहां पे से कट कर ली और इस स्ट्रिप की लेंथ लिख ली हमने dx, ठीक। अब सिर्फ अब ये भूल जाओ, पूरे लाइन को भूल जाओ, सिर्फ ये सोचो कि यहां पर एक dx लेंथ की स्ट्रिप है, इससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी। तो छोटे से पॉइंट की वजह से लिख रहे हो तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिख सकते हैं, dE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चलो के तो हमने लिख लिया, क्यू की जगह लिखोगे डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब वेरिएबल तो तुम्हारा एक्स है ना, तो एक्स के साथ वहां पे क्या होना चाहिए, डीएक्स। लेकिन वहां पर है क्या, डी क्यू। तो डी क्यू हटाते हैं, देखो डी क्यू कैसे हटाओगे, लैम्डा की हेल्प लो। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेकिन छोटे से सेगमेंट की बात करोगे तो छोटा सा चार्ज और छोटी सी लेंथ, तो छोटी सी लेंथ यहां पर क्या माना है तुम्हें, dx। बस ट्रांसफर कर लो, dx dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू dx। यहां डाल दो, चल यहां डाल दो, क्या हो जाएगा बेटा, k लैम्डा dx डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना इनिशियल से लेकर के फाइनल तक, इसको इंटीग्रेट कर लो इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो से लेकर के ई तक हो जाएगी, इसमें तो कोई लोचा नहीं आएगा। एक्स की लिमिट लो, देखो एक्स को छोटा करो, एक्स को छोटा करते 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 वाई तक पहुंचोगे, ये तो बदलना नहीं है ना, सिर्फ एक्स को छोटा करना। तो एक तो वाई होगा, दूसरा क्या होगा, ये एंड ऑफ, यानी यहाँ वाई प्लस एल, यानी एक्स की लिमिट होगी वाई से लेकर के वाई प्लस एल तक। इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको इंटीग्रेशन में करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या बैठेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ E इज इक्वल टू, के तो बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x टू दी पावर माइनस टू डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना आता है बेटा, क्या करना होता है, पावर में जोड़ के उसी से डिवाइड कर दो, तो x टू दी पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, यानी माइनस वन का साइन बाहर ले लो, के लैम्डा, और ये बन जाएगा बेटा वन बाई एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक, y से लेकर के y प्लस एल, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, क्या हो जाएगा, k लैम्डा, अपर लिमिट हो जाएगी 1 अपॉन y प्लस एल, लोअर लिमिट हो जाएगी 1 अपॉन y, और एक नेगेटिव साइन अंदर यहां पर रहेगा, इसको अंदर ले लो। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अंदर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितनी आ जाएगी बेटा, k लैम्डा 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन y प्लस एल, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जैसे देखो उसमें वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ, पहला वेरिएशन इसमें क्या किया जा सकता है, तो फर्स्ट टाइप का था, इसमें यह कर सकता हूँ कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट थी जिसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, वो कांस्टेंट ना करके मैं क्या कर दूं, उसको वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। दूसरा, इसमें डिस्टेंस के साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। चलो पहले इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ बताता हूँ क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी निकालना है यार हमें पॉइंट चार्ज के लिए, ये सॉरी लाइन चार्ज के लिए ये डिस्कशन करना है। लेकिन आप देखो किस तरह से डिस्कशन आए, मान लो ये लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज के लिए ये लेंथ होगी l, ठीक। ये वाला पॉइंट हम यहां से सपोज करते हैं a और ये वाला पॉइंट यहां पर सपोज करते हैं b। अब देखो p पॉइंट जो दिया गया, अब ऐसा बोला जा सकता है कि ये जो P पॉइंट है इसकी डिस्टेंस इस लाइन चार्ज से, जब मैं बोलूं ना कि P पॉइंट जो है वो लाइन चार्ज से y डिस्टेंस पे, मतलब इस लाइन चार्ज के सेंटर से अगर मैं देखूं तो इसके सेंटर से जो P की डिस्टेंस है वो हो जाएगी y। क्या ये बात समझ में आई, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि लाइन चार्ज के, जैसे इसके पहले हमने कैसे डिस्कस किया कि मान लो ये लाइन चार्ज है, ठीक है, ये लाइन चार्ज है, यहां पर एक पॉइंट पी है, ये वाली डिस्टेंस दी गई थी भाई। अब क्या रहना ना,
या मीत से पकड़ो, मीत से वाई डिस्टेंस पे आ जाओ, तो बदलेगा क्या? सिर्फ जो लिमिट है वो बदल जाएगी। जैसे इसमें भी वही काम करोगे, आपको करना क्या होगा, एक्स डिस्टेंस पर आकर के एक डीएक्स की स्ट्रिप काटनी ही पड़ेगी, वही करना पड़ेगा उसको, एक पॉइंट चार्ज ही सोचना पड़ेगा। ये छोटा सा चार्ज दिया मैंने डीएक्स के लिए ऐसे, तो डीक्यू लिखो, डीक्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसके पहले जैसे लिखते थे लैम्डा इनटू डीएक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, के डीक्यू की जगह लैम्डा इनटू डीएक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यही रहेगा और कोई बदलाव तो होगा नहीं, लिमिट में बदलाव आएगा। लिमिट कैसे बदलेगी, देखो एक्स को छोटा करो, एक्स को छोटा करते हो ये नहीं बदलेगा, एक्स को छोटा करते हो क्या होगा, यहाँ पर पहुंचोगे, मतलब तुमको ये डिस्टेंस मिलेगी जो ये वाली डिस्टेंस देख रहे हो, ये तुम्हारी एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी, और जब बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुंचोगे तो वो एक्स की कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब जैसे देखो ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, एल बाई टू, अभी तो है, तो ये अपर लिमिट अगर देखा सबसे बाहर की तो कितना हो जाएगा, वाई प्लस एल बाई टू, ठीक है क्या? और अगर लोअर लिमिट देखो तो ये डिस्टेंस है पूरी y, ये है l by 2, तो ये कितना हो जाएगा y minus l by 2, लिख डालो, ये हो जाएगा y minus l by 2, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब करके सॉल्व करना है, वैसे ही आ जाएगा बेटा माइनस k lambda, ये हो जाएगा 1 by x y plus l by 2 y minus l by 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और माइनस साइन को कंपनसेट करो, क्या हो जाएगा k lambda 1 upon y minus l by 2 minus 1 upon y plus l by 2, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करनी है, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगे ना, यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का वेरिएशन था जिसमें आपको डिस्टेंस का वेरिएशन दिया जा सकता है, उसमें कुछ नहीं करना होगा आपको, सिर्फ उसके लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। तीसरे टाइप का जो वेरिएशन है वो ये है कि लैम्डा को कॉन्स्टेंट नहीं रखना होगा, लैम्डा को हम क्या करेंगे, वेरी कर देंगे, जरा इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड टाइप का वेरिएशन इसमें क्या आ सकता है, मान लो ये लाइन चार्ज है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर रखा, देखो कई बार ऐसे डराने के लिए ऐसा कर देते हैं कि उसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कई बार ऐसा कर देते हैं, तो उससे ज्यादा बहुत डरने की जरूरत नहीं है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हो जाएगा बेटा x is equal to 0, मान लो ये हो जाएगा x is equal to l, और यहाँ पर एक पॉइंट है x is equal to a, कह रहा है कि जो लैम्डा है, लैम्डा is equal to दिया गया है 3x+2, अभी क्या कह रहा है, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा जो है वो x के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। थर्ड टाइप का वेरिएशन ये था कि जिसमें लैम्डा को मुझे क्या करा देना है, वेरिएबल करा देना है, काम इसमें वैसे ही करना है, बस इसमें क्या होगा, जैसे इसके पहले के दो जो पार्ट्स आपने किए उसमें से लैम्डा जैसे बाहर निकल जाता था ना इंटीग्रेशन में से, यहाँ पर वो इंटीग्रेशन में से बाहर नहीं निकलेगा। तो चलो देखते हैं इसमें कैसे काम करना है, क्या करना पड़ेगा, वही देखो, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के हमने एक छोटी सी डीएक्स की स्ट्रिप काट ली, ये स्ट्रिप कट गई, ठीक है। अब dx की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q, q के लिए क्या लिखोगे बेटा, लैम्डा इनटू dx, लैम्डा इनटू dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी कितना, x का स्क्वायर। अब लिमिट का बहुत ध्यान रखना, लिमिट कैसे बदलेगी, देखो x को छोटा करते हो तो ये वाली आएगी और x को बड़ा करते हो तो ये आएगा, ठीक है। x को छोटा करोगे तो ये डिस्टेंस ही रह जाएगी ना, ये डिस्टेंस देखो कितनी होगी, यहाँ पर x की वैल्यू है a और यहाँ पर x की वैल्यू है l, मतलब ये ऐसे सोचो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर x की वैल्यू 0, ये 2 है, ये 5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस कितनी निकल के आती है, 3, तो यही करना होता है ना, ऐसे ये डिस्टेंस देखो तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, फाइनल माइनस नीचे रहेगी 5 माइनस 2 क्या, यहाँ पर a माइनस l, ठीक। x की वैल्यू मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी, यही है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, यही देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, a नहीं आया, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ये बराबर देख लो क्या किया हमने, x की लिमिट रखी तो x को घटाते घटाते रहोगे तो यहां तक पहुंचोगे ना, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a माइनस l, फाइनल माइनस इनिशियल करो, और ये डिस्टेंस ये तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, a माइनस 0, तो a ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो इसमें
ये तो हमारे काम का नहीं है, जैसे एग्जाम्पल बता दिया था। देखो अब इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज रख करके आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए। लैम्डा की वैल्यू डालोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, के तो ऐसे रह गया, लैम्डा की वैल्यू हो गई 3x plus 2 dx divided by x का स्क्वायर। इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको, तब जाकर के आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इंटीग्रेशन की लिमिट रखो तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेक करो, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स बढ़कर के होगा a, और लोअर लिमिट कितनी होगी a माइनस l। बस सर उसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन में कैसे करोगे ये पहले काम करो, ऐसे नहीं समझ में आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, k को ऐसे रखो ब्रैकेट में लो, ब्रैकेट में हो जाएगा बड़ा, देखो 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx। क्या समझ में आई ये बात, a माइनस l और ये लिमिट हो गई a, k तो बाहर रह जाएगा कांस्टेंट, देख लो ठीक है। अब 1 बाय ये यहां से x को निकाल दो, ठीक है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और उस log का बेस क्या होता है e, उसको ln भी लिखा जाता है, तो ये यहां से निकालो k, यहां से 3 बाहर आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन कर रहा हूं 3, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, यानी ये हो जाएगा log x, और अपर लिमिट कहां से लाते हैं बेटा a, और ये हो जाएगी a माइनस l प्लस, ये है 2 बाहर निकल जाएगा, 1 by x square का integration minus 1 by x, इसके पहले करते हैं बेटा x to the power minus 2 कर देना, power में जोड़ के से divide कर देना, ये हो जाएगा minus 1 by x, और limit क्या बेटा a minus l, और ठीक है क्या distribute कर लिया, यहां से तो हम solve कर ही सकते हैं, कितना हो जाएगा k, ये हो जाएगा 3, ये कर लो, ये कितना हो जाएगा बेटा log a divided by a minus l plus 2, क्या तेरे काम करो ये, ठीक है plus 2 करो, ये लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देना क्योंकि एक नेगेटिव साइन है, तो 1 माइनस ये बन जाएगा, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही जनरलाइज्ड क्वेश्चन कर लिया, अपने वैल्यू जो मन करे वो ले लिया था लैम्डा की, और ऐसे क्वेश्चन कर लिया ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट में ले लो फिर आगे चलते हैं। अब एक और वेरिएशन देखते हैं इसमें और क्या क्या हम इसमें खेल सकते हैं। देखो अभी लाइन चार्ज के साथ ही खेलना है, लेकिन अब थोड़ा सा बदल रहे, मतलब अब तक कहाँ निकाल रहे थे, तब तक तुम निकाल रहे थे एक्सिस पे, अब कह रहा हूँ कि एक्सिस पे नहीं निकालो, अब क्या करो, जैसे देखो कुछ इधर को समझो अच्छे से, इसका जो थर्ड वेरिएशन है या फोर्थ वेरिएशन होगा, फोर्थ टाइप का वेरिएशन को चेक करो। देखो एक लाइन चार्ज है ठीक है, इस लाइन चार्ज से कहीं भी आर नॉट के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना, तो देखो एक ऐसे काम करना पड़ेगा। अब इसके वेरिएबल्स को पहले अच्छे से समझ लो, वेरिएबल्स क्या हैं, कि अगर इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट हम देखें, मतलब यहां से पी से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, जैसे इस तरीके से पी से देख रहे हो और ऊपर वाले पॉइंट को देखो, तो कुछ एंगल बनाना ही है, तो इस एंगल को मान लीजिए आप दे लेते हैं थीटा 1 ठीक है, उसके बाद नीचे देखो, मतलब इसके ऊपर वाले एंड को देखा तो थीटा 1 और नीचे वाले एंड को देखा तो थीटा 2। चलो ठीक है, ये स्पेशली जेडब्ल्यू वालों के लिए वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखो करना क्या होगा, इसके डेरिवेशंस कैसे काम करने पड़ेंगे, इसमें कैसे होगा भाई, यहां पर हम अगर वेरिएशन देखें तो देखो दो तरीके से स्ट्रिप काटना सिखाई दी, एक तो ये सिखाया था कि एक्स डिस्टेंस पे जाकर dx की स्ट्रिप काटो, दूसरा सिखाया था थीटा डिस्टेंस पे जाकर के d थीटा की स्ट्रिप काटो। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर तुम्हें थीटा डिस्टेंस पे जाकर के d थीटा की स्ट्रिप कट करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जो वेरिएबल दिया गया है वो दिया गया है एंगल थीटा, दिया गया है मतलब वेरिएशन एंगल में है ना, यानी कहीं ना कहीं डी थीटा क्रिएट करना पड़ेगा, और यही आपका क्या रहेगा वेरिएबल। और डी थीटा की अगर मैं लिमिट्स को देखूं तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा थीटा 1 और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा माइनस थीटा 2, यानी इस डी थीटा का वेरिएशन आएगा माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक। डी थीटा की क्या है बेटा, डी थीटा क्या है वो आपका वेरिएबल है, उसके लिमिट कहां से कहां तक है माइनस थीटा 2 से लेकर के प्लस थीटा 1। अब देखो एक काम करते हैं, चलो
सपोज करो यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक डीएक्स का स्ट्रिप काट दी, ये स्ट्रिप जो है यहां पर कुछ एक एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है कुछ, थोड़ा सा देखा ध्यान से, ये पूरा एंगल थीटा बनता हुआ, ठीक है, ये पूरा एंगल थीटा बनता, लेकिन ये वाला सिर्फ एंगल ये थीटा है। अब देखो तुम्हारे पास अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो पॉजिटिव चार्ज से क्या बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट बनेगा, देखो इस पॉइंट बी के लिए डिस्कस कर लिया, देखो अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, यानी यहां पर क्या बनेगा e cos थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे यहां पर बनेगा e sin थीटा। ये समझ भाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड निकलेगी, ऐसे बाहर निकलेगी, तो उस आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, तो cos थीटा वाला कंपोनेंट और दूसरा क्या करना पड़ेगा sin थीटा वाला कंपोनेंट। अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चलो के तो लिख दिया हमने, क्यू की जगह लिख सकते हैं भाई लाइन चार्ज डेंसिटी, अब कब से लिखते जा रहे हैं, क्यू की जगह क्या लिखना है बेटा लैम्डा इनटू डीएक्स डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। देखो यहाँ पहले से आर नॉट एक वेरिएबल है, सर ये आर नॉट एक हमारे पास टर्म है, एक्स तुमने एक वेरिएबल ले लिया, डीएक्स वेरिएबल ले लिया, थीटा ले लिया, डी थीटा ले लिया, अब नया वेरिएबल लेने की हिम्मत नहीं, तो कुछ ऐसा सोचो कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है जिसको मैं एक ट्रायंगल बनाए, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये वाली डिस्टेंस कैसे भी आर नॉट के टर्म्स में लिखो, ये आर नॉट डी एक्स है, तो ये डिस्टेंस कैसे भी सिर्फ आर नॉट के टर्म्स में लिखो, एक्स मत लिखो। अभी बताता हूँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये चीज एक बार समझनी पड़ेगी। देखो ऊपर वाली डिस्टेंस को हम लिखते हैं, जैसे मान लो ऊपर वाली डिस्टेंस को ले लो l, तो l को जब यहाँ नीचे रिजॉल्व करोगे तो कितना आएगा l cos थीटा, यानी r नॉट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है l cos थीटा, तो l इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है r नॉट डिवाइड में आएगा cos थीटा, और ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा sec थीटा। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाले डिस्टेंस ही होगी ना, ये देखो ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r sec थीटा, और उसका क्या बनेगा स्क्वायर। बताओ ये काम जान क्यों किया है, थोड़ा सा भी आप समझो बस। उसके बाद देखो थीटा है लेकिन तुम्हें यहां पर क्या दिया है dx, वो चाहिए ये नहीं, मुझे क्या चाहिए d थीटा, तो dx को d थीटा में कन्वर्ट करने के लिए इसका मतलब तुम्हें x और थीटा में कहीं ना कहीं रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो देखो x थीटा और आर नॉट का रिलेशन ढूंढने के लिए टेन थीटा यूज करो, तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय आर नॉट, तो आर नॉट एक्स इज़ इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बट एक्स इज़ इक्वल टू आर नॉट टेन थीटा। अपने को एक्स नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था डीएक्स, डिफरेंशिएट करो तो डीएक्स इज इक्वल टू आर नॉट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा sec स्क्वायर एक्स, भाई वाले इसको याद रखेंगे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा sec square theta, अभी तो सिर्फ tan का हुआ ना, फिर theta का differentiation क्या हो जाएगा d theta, ठीक है। अब ये value भी यहाँ पर प्लेस करो, अभी तुम्हें देखो तुरंत कुछ चीजें अच्छे से visualize हो जाएंगी, ये हो जाएगा k lambda, x की जगह लिखा r not sec square theta d theta, और यहाँ पर बचा है r square sec square theta, sec square theta निकल जाएगा r नॉट से, एक r नॉट ये बच गया, तो ये कितना बना k lambda by r नॉट into d theta। ध्यान से देखना k कांस्टेंट है, lambda की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, r नॉट की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी जाएगी, और theta हमारा वेरिएबल था, तो सबसे सिंपलेस्ट जो इंटीग्रेशन हो सकता है वो इसका हो सकता है, बहुत सिंपल सा काम किया इसने। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, इस डेरिवेशन को तीन चार बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आराम से आपको ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो समझ में आ जाएगी, यहां तक की बात क्लियर हुई। अब देखो क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ये तो ये वाला है ना बेटा, ये वाला। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें कितने कंपोनेंट मिलेंगे, दो, एक ऊपर का कंपोनेंट मिला, एक नीचे का कंपोनेंट मिला, मतलब ये जो मिला है ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस का छोटा सा,
ये क्या मिला है तुम्हें, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, लेकिन ये कौन सा एक्सिस का मिला है, वाई एक्सिस का, ठीक है। तो चलो ये दो निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस का कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस का कितना है, ये सब पूरा जान लो, ठीक है, सब पूरा जाने दे रहा हूं। देखो आ जाओ उसको करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस की देखी जाए तो छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था बेटा, डी ई कॉस थीटा, क्या यही d की वैल्यू है क्या, देखो तो जरा, यही क्या है d की वैल्यू, यही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा ना हमें, अब बस करना है क्या आपको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर इसका ढूंढ लेना है। देखो d की वैल्यू रख दो कितना हो जाएगा बेटा, k लैम्डा बाई r नॉट, ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा, बस ये क्या मिला, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का, अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा कौन सा एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, ये बात भेजे बैठ गई, चलो करते हैं इसका। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहाँ लिख दो, ये कितना हो जाएगा के लैम्डा बाई आर नॉट, अच्छा लिमिट ले लो, लिमिट देखो वो तो पहले से लिखवा दिया था बेटा, कितना माइनस थीटा टू से लेकर के थीटा वन तक, कॉस का इंटीग्रेशन कर क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा, माइनस थीटा टू थीटा वन, ये लिखा हो के लैम्डा बाय आर नॉट, ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू, ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा इस माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा यहाँ बाहर निकल जाएगा, मतलब ये निगेटिव साइन से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा थीटा टू, निगेटिव से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये बन गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस। ऐसे ही बार इसको चेक करो, मेरे सॉल्व करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस का निकालो, खुद से पेन पेंसिल उठाओ चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस का लिखते हैं, देखो क्या आ जाएगा के लैम्डा बाई आर नॉट साइन थीटा डी थीटा, इसी का इंटीग्रेशन करना होगा माइनस थीटा टू से लेकर के, यहां पर क्या आ जाएगा थीटा वन, माइनस थीटा टू से लेकर के थीटा वन तक, बस यहाँ पर क्या ले लो के लैम्डा बाई आर नॉट, हाँ साइन का इंटीग्रेशन होता बेटा माइनस कॉस, तो माइनस साइन तो मैं पहले से बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बन जाएगा कॉस थीटा, और इसमें आपको लिमिट रखनी पड़ेगी थीटा वन माइनस थीटा टू, थीटा वन लिमिट क्या हो जाएगा बेटा के लैम्डा बाई आर नॉट, देखो ये हो जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा टू, लेकिन cos of minus theta is cos theta, मतलब इस negative sign का कोई importance रहा नहीं, ये direct क्या बन गया cos theta 2 बन गया, लेकिन एक ये negative sign बाहर है ना बेटा, ये negative sign यहाँ बाहर था, और negative sign को अंदर compensate करो तो ये reverse हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा theta 2, और ये वाला क्या हो जाएगा theta 1, ये क्या बन गया electric field y axis का, ठीक, थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेकिन इससे आपको अच्छे से कर लेना है। अब आपसे मुझे कहोगे कि सर ये क्या, आपको मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला था, आपने क्या किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का निकाल के हमें दे दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस स्लॉट्स, ये एसएफएस सिस्टम की वजह से अगर मैं देख रहा हूँ इधर का, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट आ गया तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद अगर आपको उसका बहुत मैग्नीट्यूड का मन है निकालने का तो उसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं। देखो उसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, ठीक है, चलो ये सब चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जा सकता है बेटा, लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस का जो होगा उसके साथ आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस का जो होगा उसके साथ जे कैप, तो आई मतलब एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे तो ये आया था क्या आया था बेटा के लैम्डा बाई आर नॉट, ये बना था साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू और इसके साथ आई कैप, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस का हम चेक करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस का तो ये आया था, क्या आया था यार के लैम्डा बाय आर नॉट, और ये बन गया था कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और इसके साथ क्या बना था जे, हाँ देख इसमें आपको एक बात पता है ना, कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप जब वैल्यूज रखोगे तो आपको अपने आप प्लस या माइनस साइन यहाँ पर मिल जाएगा, इसका मीनिंग समझ लो जरा, इसका अच्छे से इसका मीनिंग समझ लो, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, याद करने का तरीका ऐसे देखो k लैम्डा बाय r नॉट तो दोनों में है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, sin थीटा 1 + sin थीटा 2 करो मतलब एंगल अगर पलट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या ध्यान देना है जैसे देखो इसमें कुछ ऐसे सोचना है,
या तो आप डायरेक्शन देखो या तो आप साइन देखो, ध्यान से सुनना, या तो हम डायरेक्शन को चेक करते हैं या तो हम साइन को चेक करते हैं। तो एक काम कर लेना, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में आपको ये दिया जाए कि ये वाला एंगल 60 और ये वाला एंगल ऐसा 30, ठीक, मतलब होगा क्या बेटा, इधर देखो इधर लाइन चार्ज ज्यादा होंगे और इधर लाइन चार्ज क्या आएगी, कम आएगी, ये वाले लाइन चार्ज क्या आएंगे, ज्यादा होंगे ना, इधर चार्ज ज्यादा होंगे ना, इधर चार्ज क्या होंगे, कम होंगे, यानी इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे मान लो इसके वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू, तो ऊपर वाले का थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ज्यादा, और ऊपर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, नीचे। अरे ये मान लो इसकी वजह से सोचो, सिर्फ इसकी वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, मतलब ऊपर निकलेगी, लेकिन ऊपर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगी, ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, वैसे बाहर निकलेगी, नीचे जाएंगे। यानी इसमें क्या होगा, अगर ये 60 है और ये 30 है, तो इसमें अगर हम वाई एक्सिस को चेक करें, अगर हम वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करें, तो वो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कौन से डायरेक्शन में आएगा, नीचे। एक्स एक्सिस को तो दोनों के जोड़ करके आ जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, डायरेक्शंस लगा लेना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, डायरेक्शन आपको वैसे भी साइन के साथ मिल ही जाएगी, माइनस आई माइनस जीरो से जैसे मिल जाएगा। देखो इसमें कुछ स्पेशल केसेस, ये तो मैंने तुम्हें ऐसे एक सेगमेंट के लिए कराया, एकदम बहुत बेसिक सा कराया, इसमें स्पेशल केसेस भी आते हैं। स्पेशल केस में देखो, पहला केस इसमें क्या बोला जा सकता है, एक स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं। मान लो मैं आपसे बोल दूं इसके स्पेशल केस में, केस नंबर वन डिस्कस कि ये जो लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज में ये जो पी पॉइंट हम ले रहे हैं, ये पी पॉइंट इसके मिडिल में होने का मतलब क्या है, जैसे ये अगर एंगल 30 बन रहा है, तो ये वाला नीचे के एंगल कितना बन रहा है, 30, तभी तो बीचों बीच आ जाएगा, ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, बीच में आ जाएगा ना, दोनों एंगल क्या बन जाएंगे, 30 के, ठीक, ओके। तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट मेरे साथ देखो, से याद करते, चलो याद रखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस पे आएगा और दूसरा वाई एक्सिस पे आएगा, हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था, यहाँ पर आया था डी कॉस थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनना चाहिए था, साइन, यानी एक्स एक्सिस पे आएगा के लैम्डा बाई आर नॉट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, यहाँ पर बन जाएगा बेटा के लैम्डा बाई आर नॉट, इसमें कॉस थीटा वन, देखो उसे याद रखना, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करके हटते रहेंगे, याद हो जाएगा, इतना बात बेचे बैठ गई। अब इसमें क्या कह रहा हूँ कि अगर ये सिमेट्रिक है, या फिर मैं कह सकता हूँ जो पी पॉइंट है, पॉइंट P is at midpoint, या फिर कह सकते हो at perpendicular bisector of line charge, अगर P जो है ये perpendicular bisector पे है, equally divide कर रहा है, मतलब लिख सकता हूं theta 1 और theta 2 आपस में क्या होंगे, equal, देखो ये term कड़ी है, थीटा वन और थीटा टू इक्वल होंगे तो कॉस निपट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की कितनी आ जाएगी, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की कितनी आ जाएगी बेटा, के लैम्डा बाई आर नॉट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, दोनों थीटा बराबर है, ठीक है, तो यहां बन जाएगा क्या, टू साइन थीटा, भेजा बैठ गया, ये आ गया ना अच्छे से, मतलब क्या हो गया इसमें, जो अगर ये सिमेट्रिक था, थोड़ा सा इसको एनालाइज करो, दिमाग में एनालाइज करो, अगर ये सिमेट्रिक है, मैं ऊपर से एक स्ट्रिप काटू, नीचे से एक स्ट्रिप काटू, ऊपर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी, नीचे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, अगर मान लो ये थीटा है, ये भी थीटा है, चलो 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 चलो, ये देखो ये थीटा बना, ये थीटा बना, लिखा इसको यहाँ लेके आओ, ये कितना बन जाएगा ई कॉस थीटा, दूसरा ये वाला टर्म कितना बन जाएगा ई साइन थीटा, ऐसे इसको रिजॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा e sin theta, और यहां पर कितना हो जाएगा e cos theta, यानी जो तुम्हारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर हम देखें तो उसका जो sin theta वाला कंपोनेंट है वो कट गया, मतलब इसका वाई एक्सिस में आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और यहां पर क्या हो गया टू टाइम्स ऑफ d cos theta, यानी इंटीग्रेशन अब यहां पर किसका होगा, कॉस का, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या बचेगा, साइन ही बचेगा, वो देखो फॉर्मूला भी सेट कर रहा है,
टू आ गया ना यहाँ पर, बात समझ में आ गई सिंपल सी। इसमें ये पहला केस था, ठीक है, कि अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मिड पॉइंट पे होगा तो कैसे काम करना है। दूसरा वेरिएशन सुनिए, सेकंड जो वेरिएशन हम कर सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि मान लो मैं बोलूं कि यही लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये इनफाइनाइट एक्यूलेशन कहां से कर लोगे। इसका जो सेकंड केस है वो क्या कहता है कि ये जो लाइन चार्ज है ये ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब ऊपर कहां तक जा रहा है नहीं पता, नीचे कहां तक जा रहा है नहीं पता, ठीक है, भगवान शिवलिंग की तरह से हो गया, ऊपर का आता पता नहीं नीचे का आता पता नहीं। अब ढूंढना कैसे, इसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, बड़ी परेशानी वाली बात है। तो चलो पहले हमने जो सेगमेंट के लिए लिखा था उसको जरा चेक कर लेते हैं। क्या बताया था बेटा, याद रख लेना इस तरीके से आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक कंपोनेंट इधर लिया था कॉस थीटा, नीचे वाला लिया था साइन थीटा, तो नीचे वाले को इंटीग्रेट किया था तो क्या बना था कॉस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस का लिखोगे तो किसके टर्म में कॉस, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस का लिखोगे तो किसके साथ में साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस का लिखोगे कितना हो जाएगा के लैम्डा बाय आर नॉट, क्या बन जाता बेटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, किसी का यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा बेटा के लैम्डा बाय आर नॉट, ये हो जाएगा नीचे वाला एंगल माइनस ऊपर वाला एंगल, यानी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओहो चलो यहां तक तो हम समझ गए इसको, ये तो हो गया। लेकिन ये इनफाइनाइट के लिए तो कुछ चेक करते हैं भाई, मान लो यहाँ से आर नॉट का डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से आर नॉट की डिस्टेंस है और यहाँ पर एक पॉइंट है पी। देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या होता है, जब तुम किसी चीज के साथ में कोई अगर ऐसी मतलब ये समझ मार्कर, ठीक है, इस मार्कर को हम इनफाइनाइटली लॉन्ग कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसे दूर से देख रहा हूँ तो ये फाइनाइट है, इसकी लेंथ हमारे लिए अभी कैसी है फाइनाइट है, लेकिन ऐसे चलो चलते 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 ऐसे पास आते जाओ, आता जाओ आता जाओ आता जाओ, अब ये चिपक गया ना, तो इसका ऊपर का एंड दिख रहा है ना तो नीचे का एंड दिख रहा है, मतलब ये कैसा वायर हो गया, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया। मतलब अगर इसका ऊपर का टॉप मोस्ट पॉइंट आपको देखना है तो आपको पूरा सर ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा, सोचो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर मुझे सबसे ऊपर का पॉइंट देखना तो देखो मुझे सर ऐसे ऊपर उठा के सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, और नीचे देखना तो ऐसे पूरा नीचे देखना पड़ेगा, यानी अगर इसका सबसे डाउन वाला पॉइंट देखोगे ऐसे नीचे देखोगे तो कितना एंगल बन रहा है, देखो यहाँ से कितना एंगल बन रहा है माइनस 90, और ऊपर वाला एंगल देखोगे तो कितना बन रहा है प्लस 90, यानी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थीटा 1 जो होगा, थीटा 1 यानी ऊपर वाला कितना आ जाएगा प्लस पाई बाई 2, और थीटा 2 कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। ये छोटा सा कैलकुलेशन करके हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को स्टडी कर लिए, कितना अच्छा नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस का देखो क्या आ जाएगा बेटा के लैम्डा बाई आर नॉट, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन 90 भाई, ये देखो यहाँ रखो थीटा की वैल्यू रखो कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस साइन माइनस पाई बाई 2। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस खत्म हो गया, ठीक है, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस का लिखोगे तो भाई यहां तक की बात को समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस का लिखेंगे वैसे लिखेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो वाई एक्सिस का लिखोगे तो क्या लिखोगे के लैम्डा बाय आर नॉट, वहां नीचे जो आया था देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस का लिखो ये कितना आ जाएगा बेटा साइन पाई बाय 2 माइन सॉरी 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 कितना जाएगा cos pi by 2 with a negative sign minus cos, अब जरा वैल्यू रख करके देखो तो ये तो ठीक, जरा वैल्यू रख करके देखते हैं sin pi by 2 minus sin pi by 2 sin of minus theta is minus sin theta, मतलब ये तो कैंसिल होगी कितना आ जाएगा जीरो, ये देखो cos of minus theta is cos theta दोनों कट करके क्या होगा जीरो, ले ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आया, ऐसा थोड़ी होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो जरा सोचना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग हर बार मिस करते हैं, उसको एक बार एक मिनट वीडियो पॉज करके आराम से सोचिए कि कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम क्या हुई है उसको एक बार सोचिए, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या हुई है, जब तुमने इंटीग्रेशन किया था तो ऑलरेडी यहां पर माइनस थीटा लिया हुआ है तुमने,
यानी यहाँ पर फिर से माइनस फाइव बाई टू लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं लेना, जरूरत क्या नहीं, लेना ही नहीं है, ये नेगेटिव साइन नहीं लेना है यहाँ पे, ये नेगेटिव साइन यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया क्या प्रॉब्लम आई वो जरा समझ में आया आपको, क्या किया था इसमें, दिक्कत क्या आई थी कि आपने जब इंटीग्रेशन किया है तो माइनस थीटा टू और यहाँ पर ऑलरेडी थीटा वन लिखा है, जब आपने ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव साइन कंसिडर कर लिया है इंटीग्रेशन करते समय ही, लिमिट रखते समय ही कंसिडर कर लिया, अब आपको यहाँ पे साइन नहीं लिखना होगा, ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यूज डाल दीजिए, ये कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 ये 2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की कितनी आ गई 2 के लैम्डा बाय r, ये सही है। ये चीज ध्यान रखना है हमें, कभी भी एंगल जो रखना है यहाँ पर वो विदाउट साइन रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसमें एक और वेरिएशन आपसे कराया जा सकता है, एक और वेरिएशन आपसे क्या कराया जा सकता है, ये तो मैंने फाइनाइट बोला ना, एक दम उधर से कहते हैं सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या, जैसे ये मार्कर मैं ऐसे रखा हूं तो इसका एक साइड जो है, जैसे इस मार्कर का ये वाला जो सिरा, ये वाला, ये तो मेरे आंखों के जस्ट सामने, मतलब इसके लिए एंगल कितना बन रहा है 0, लेकिन ये जो ऊपर देखोगे, जैसे ये वैसे लगते हैं, ये जो ऊपर देखोगे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, यानी इसमें जो केस हम नेक्स्ट कर सकते हैं, फिफ्थ होगा ना, देखो वो नेक्स्ट फिफ्थ केस हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये निकालो नीचे का पूरा, ठीक है, और थीटा वन बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा पाई बाई टू, और थीटा टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, बस अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, आपको सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। डालो x एक्सिस पे कितना आएगा बेटा, थीटा वन पाई बाई टू डालो तो ये वन ये जीरो, यानी कितना हो जाएगा k लैम्डा बाई r नॉट i कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के साथ k लैम्डा बाई r नॉट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये तो निकला दो, एक जीरो हो जाएगा और एक वन हो जाएगा, फिर यही बचेगा आई एच, ठीक है, यहाँ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किस तरीके से बनेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा ना बेटा, एक इस साइड बनेगा दूसरे इस साइड बनेगा, चाहो तो माइनस जे कैप लिखो, माइनस जे कैप लिखो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन कौन सा है नीचे, ठीक। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने सिर्फ लाइन चार्ज के लिए डिस्कशन में लिया, लेकिन अब क्या है जो नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस करेंगे, एक रिंग के लिए करेंगे, और रिंग से फिर एक डिस्क बनाएंगे, और एक नया थ्योरम है गॉस थ्योरम से कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स स्लो चल रहा है, आप भी उसकी स्पीड को बढ़ाइए, मैं भी थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना कहीं छूट ना जाना, ठीक है, और रोना नहीं।